आई खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की और नजर डालेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को नारियल दिया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने नारियल को माथे पर लगाया और जन आशीर्वाद यात्रा में पवई पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार से नारियल फेंक दिया था। पन्ना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को नारियल दिया गया, जिसके बाद सीएम शिवराज ने नारियल को माथे पर लगाया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को नारियल दिया। नारियल को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो किस्सा है वो लगातार बढ़ता गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार से नारियल फेंक दिया था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पन्ना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नारियल जो कि भारतीय संस्कृति में और हिंदू सभ्यता की बात की जाए तो हिंदू संस्कृति में एक सम्मानजनक नारियल को जगह दी गई है, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माथे पर लगाया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं सुशांत। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, पन्ना में नारियल पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार से नारियल फेंक दिया, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नारियल को माथे पर लगाया। अब बिल्कुल सुनील, ये जो मौका था ये जन आशीर्वाद यात्रा का है, जिस तौर पर सीएम समूचे जिलों में जा रहे हैं, इस क्रम में पवई भी वो पहुंचे हुए थे, जहां पर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने उन्हें श्रीफल और स्टॉल भेंट किया था, जिसमें उन्होंने नारियल को सिर माथे लगाया। और कहीं ना कहीं जो श्रीफल की जो प्रतीक माना जाता है हिंदू सभ्यता में, वो देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, इसलिए उन्होंने अपने सिर माथे लगाया। कहीं ना कहीं ये राजनीति जो नारियल से शुरू हुई थी सिंधिया के फेंकने से, वो अभी भी बरकरार है और जारी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है राजनीति जो सिंधिया ने शुरू करी थी वो अभी भी जारी है। जानकारी देने के लिए सुशांत और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पन्ना से, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नारियल को माथे से लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नारियल को कार से बाहर फेंक दिया था।